बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक व बरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। सीटीओ साहब, सीओएस, एसपी हेडक्वार्टर, मैं आयशा, पुलिस के रुफ़का कार जो हमारे लिए आज के सही मैनों में वीवीआईपीज हैं, सबको मैं आज की इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इवेंट। हमारे लिए आपका आना, आपका ट्रेनिंग मुकम्मल करना और नए बैच का आपकी जगह लेना बहुत अहमियत का हामिल है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का जो कंसेप्ट है, जो हमने यहाँ पे इस्लामाबाद में स्टार्ट किया, आई रियली डू नॉट नो कि वेदर ये इस्लामाबाद में था, नहीं था, या इस पर पहले कभी कोई इस तरह का काम हुआ या नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। लेकिन उसका अंदाज़ा ना करते हुए या उस पर परवाह ना करते हुए एक चीज़ विच वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, रादर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, वो ये था कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक हमने जाना है और वहाँ जाके जो एक परसेप्शन है उस परसेप्शन की बात करनी है, चेंज वगैरह कुछ नहीं करना। एक चीज़ तो मैं बड़ा क्लियर आपको करता चलूँ कि ये जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं, वी आर नॉट हेयर टू चेंज एनीथिंग, वी आर नॉट हेयर आई मीन टू जोल्ट योर आइडियाज़। मतलब दैट वुड बी क्वाइट सिली ए थिंग टू से कि एक बंदे के कुछ आइडियाज़ हैं जो पिछले 8 साल, 5 साल, 6 साल से बने हैं एंड विल बी एबल टू आई मीन टू जस्ट चेंज दोज आइडियाज़ विद इन गुड 6 डेज। नो, हम ऐसा कोई कोशिश भी नहीं करना चाह रहे। ये जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का बैच है जो आज यहाँ से जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मैं उस तरीके से आई विल बी वेरी ओपन, क्योंकि यहाँ मेरे जो दोस्त भाई थे उन्होंने 5-7 दफ़ा इतना कह दिया कि आई विल बी वेरी कैंडिड एंड ओपन, कि अब ओपन रहे बगैर और कैंडिड रहे बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। सो आई विल बी वेरी ओपन दैट आई रियली कुडंट टेक दैट इंटरेस्ट इन फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यहाँ पे, जिस तरह से बीइंग डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर आई यूज टू डू और मैंने पिछले 1 साल में किया। ये मैं हमेशा से एक चीज़ कहता था कि किसी बंदे को खड़ा करके उसको आप ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दें और डेली उसको ह्यूमिलिएट करें, डेली उसको, डेली उसके साथ ज़्यादती करें और इस चीज़ को हफ्ते, महीने, साल गुजर जाएं और अचानक उसे कहें यार प्लीज़ चेंज योर परसेप्शन, मतलब दैट्स क्वाइट फनी, मतलब व्हाई दैट पर्सन वुड चेंज हिज परसेप्शन फॉर यू, क्यों करेंगे? रूड एटीट्यूड, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, पेट्रोलिंग का ना करना, नाके पे रोक के बात करना, लाइसेंस किधर है, रूडली बात करना, ये सारी वो इम्प्योरिटीज़ हैं जिन इम्प्योरिटीज़ के होते हुए एक्सपेक्ट करना कि विद इन 7 डेज परसेप्शन विल बी चेंज्ड एट इट विल बी लाइक टॉपसी टर्वी, कि कोई ऊपर वाली चीज़ को नीचे कर दिया, नीचे वाली को ऊपर कर दिया। नो, ऐसा नहीं है और ऐसा हमें भी आइडिया है कि नहीं है। बिफोर ज्वाइनिंग पुलिस सर्विस आई वॉज लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फॉर 4 ईयर्स, आई वॉज पार्ट ऑफ परमानेंट फैकल्टी एंड देन आई डिड माई डॉक्टरेट इन पुलिस रिफॉर्म्स एंड स्टिल विजिटिंग फैकल्टी में पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज और बाकी जगहों पे, जिस जगह पे जाके लेक्चर और जाके बात करनी हो तो मैं ज़रूर करता हूँ। इसलिए क्योंकि जब आप बात करते हैं तो बेसिकली आप अपनी तसहीह कर रहे होते हैं, आपने अगले को वो बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट एंड फिलॉसफी है ना, दैट व्हाट इज़ टीचिंग, उसमें तो हम जाएंगे नहीं। बट पॉइंट ये है कि विद इन 6 डेज टू से दैट वी आर हेयर टू चेंज द आइडियाज एंड द परसेप्शन, नो,
then what is the fun of, I mean, triggering this Friends of Police program and Volunteers in Police program? Why this program? ये क्यों program क्यों? ये सारी चीजें क्यों? तमाम को लिए, it's a secretive organization. हमारी हमारे weapons हैं, weaponry है, counter terrorism department है. We fight terrorism, we fight criminals. हमारी confidential, हमारे documents हैं. हम क्यों अपने आप को open कर रहे हैं? मतलब हम क्यों उन students को, जिनको अभी तक जिन्होंने professional life में कदम नहीं रखा, जिनको अभी तक exactly ये नहीं पता कि how does counter terrorism department work, जिनको नहीं पता कि what is meant by the cultivation of source, जिन्होंने ज्यादा चीजें movies में देखी हैं कि source cultivate कैसे करते हैं, movies में देखी हैं कि source जो है किस तरह से rogue हो जाता है, वो reality में चीजें कैसे हो रही हैं, live fire हो रहा है, why exactly we are doing, हम क्यों ये कर रहे हैं? We are doing this thing just to trigger the process of realization. हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज realize करवाना चाहते हैं. वो चीज क्या realize करवाना चाहते हैं और realization किसकी? देखें, जब हम लोग I've been through and through Rabian. When I was in government college, तो बताते थे शुरू में that knowledge is power. इलम बहुत बड़ी ताकत है. उसके बाद शुरू कर दिया, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हुई, मास्टर्स में आए, इंफॉर्मेशन इज पावर. इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि असल पावर जो है ना वो है रियलाइजेशन में. रियलाइजेशन इज द रियल पावर. यू नीड टू रियलाइज कि एग्जैक्टली आप में कमी क्या है. यू नीड टू रियलाइज कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो. यू नीड टू रियलाइज कि व्हाट इज योर लिमिट. यू नीड टू रियलाइज कि फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू स्टार्ट. यू नीड टू रियलाइज कि आपने कहां तक जाना है. द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन इज ए मदर फिनोमिना जिसके अंदर आपका प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस जो उसके अंदर आते हैं. सो हमने ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया फ्रॉम लाहौर विद दिस रियलाइजेशन कि हमने यूथ को, यंगस्टर्स को, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाने वालों को रियलाइज करवाना है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर. ये नहीं रियलाइज करवाना कि व्हाट वी आर डूइंग. वो तो बहुत, वो तो एक हफ्ते में, दो हफ्ते में, मैं 22 साल में Still, I am student of law and student of police. ये सारी policing की जितनी चीजें हैं अभी तक सीख रहा हूं. तो कैसे मुमकिन है कि 6 दिन में मैं कहूं कि कोई मास्टरी करवा दी या 6 दिन में कोई perception change कर दी? Not at all. ना कोई ऐसे sky high claim है. I am a very realistic person. ना कोई और चीज है. असल चीज ये है कि आपको realize करवाना that exactly हम कौन हैं, police कौन है, ये कौन है एग्जैक्टली. ये जो इतना क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे, इन्होंने आना अचानक पिछले 20 दिन से सोशल मीडिया में इन्होंने इतना आना शुरू कर दिया है, इतना शोर करना शुरू कर दिया है, जहां देखे बोलना शुरू कर दिया है, फैसिलिटेशन ऑन व्हील्स, लाइसेंसेस ऑन व्हील्स, मैकेनिक्स ऑन व्हील्स, सीटीडी की रिवैम्पिंग कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच की रिवैम्पिंग कर रहे हैं. जो यहां पर जो कोई क्रिमिनल इन पर फायर करता है तो while exercising the right of self defense उसको फायर कर रहे हैं for the sake of people to protect their life, liberty and property. Who they are? कौन है भाई? इनके कोई माँ बाप हैं? इनके कोई भाई बहन हैं? इनका कोई shift system है? सोते हैं, जागते हैं? इनकी भी कोई family life है? इनका भी दिल करता है movie देखने का? ये भी park में जाते हैं? Robot हैं? कोई खलास से आए हैं? Who they are? हम में से हैं या मुख्तलिफ हैं? हमारा हिस्सा है? सो ये जो रियलाइजेशन है ना, उस रियलाइजेशन की जो ताकत है, उस ताकत को, उस रियलाइजेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज बावर कराने के लिए, बताने के लिए, रियलाइज करवाने के लिए दैट हम कौन हैं, आपके साथ एक हफ्ता गुजारा.
आपके साथ एक हफ्ता गुजारा आपको रियलाइज करवाने के लिए दैट वी वर्क फॉर 24/7, और ये 24/7 डिक्शनरी में लिखे हुए 24/7 के लिए की तरह नहीं है। राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू आईजी की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको सिर्फ पिछले 20 दिन का अपना स्केड्यूल बताएं, हम सब टीम मेंबर्स, हम लोग सुबह 5:30 से 6 एवरेज घर जाते हैं और फिर अगेन 9:30-10 बजे आते हैं, जस्ट फॉर वन रीजन, टू रीवैम्प द इंस्टीट्यूशन, टू रीवैम्प द ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पुलिसिंग, टू रीवैम्प द यूनिट्स ऑफ पुलिसिंग, पेट्रोलिंग यूनिट है, क्राइम फाइटिंग यूनिट है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, ट्रैफिक है, एवरीवन इज वर्किंग राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ कॉन्स्टेबल टू आईजीपी। सो एग्जैक्टली रियलाइज करवाने के लिए कि हाउ डू वी वर्क, हम लोग आजकल मॉडर्न लिंगो है, बात है वर्क कल्चर, व्हाट इज द वर्क कल्चर इन पुलिस, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, यहां पर इसकी तादाद जो है दैट इज अबाउट 11,000, लाहौर में इसकी तादाद इज 50,000, पंजाब में जो है दे आर मोर देन अबाउट 250,000। ये इसको जस्ट करना कि ये एग्जैक्टली हु दे आर, और फिर यूनिफॉर्म में होते हैं, यूनिफॉर्म में होके क्यों ये अपना इतने बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, वेदर दे आर अंडर सम प्लेज, को भाई कसम है, को वादा है, किससे वादा किया है, किससे कसम खाई है, हाउ दे आर सिलेक्टेड, आउट ऑफ 30 लाख पीपल, आउट ऑफ 3 मिलियन यहां से सिलेक्ट हो गए 11,000, लाहौर में 2.25 करोड़ में से सिलेक्ट हो गए 50,000, मतलब हाउ कम दैट दे आर सिलेक्टेड, क्या ये सिलेक्ट करने की ताकत किसी डीआईजी, एडिशनल आईजी या आईजी में है? रियलाइजेशन यहां पर ये किस तरह के लोग हैं, ना इनकी कोई दुश्मनी होती है, ना किसी ने इनके क्यों घर वाले को छेड़ा होता है, तंग किया होता है, नीदर कोई ईव टीजिंग का केस होता है, ना कोई इनका कोई प्यारा जो है किसी चीज से महरूम होता है, फिर भी ये आगे आके किसी के आगे खड़े हो जाते हैं और किसी के हिस्से की गोली अपने सीने पे खा लेते हैं, हू दे आर, क्यों करते हैं ऐसा भाई? जब कहीं फायरिंग हो रही होती है और पता लगता है 15 की कॉल आती है, 2 पार्टीज में फायरिंग हो रही है, पुलिस भेजे, सो इट्स अ क्रॉस फायर बिटवीन 2 पार्टीज, सेंड पुलिस, कॉल आती है 15 की कॉल, डिस्ट्रेस कॉल दैट आई एम बीइंग चेज्ड बाय समवन, प्लीज सेंड पुलिस, आई एम शेयरिंग माय लोकेशन, 15 की कॉल आती है आपको कि आई एम बीइंग रॉब, प्लीज सेंड समवन, और समवन इज चेजिंग मी एंड आई एम अंडर द अप्रिहेंशन दैट आई विल बी रॉब्ड, आप पीछे करना शुरू कर देते हैं, एंड व्हाइल डूइंग सो जो आपका रिस्क है वो 100% होता है, नोइंग दिस थिंग आप जाते हैं, रोकते हैं, लड़ते हैं, शहीद हो जाते, वाय इस वाय की, ये जो वाय है ना, दैट इज बेसिकली द गेट वे टू द किंगडम ऑफ रियलाइजेशन, ये वाय आपको ले जाते हैं उस रियलाइजेशन में, वाई यू आर इन इकरा यूनिवर्सिटी, आप क्यों इकरा यूनिवर्सिटी में हो, व्हाई यू आर हेयर इन दिस ऑडिटोरियम। सो हमने आपको, अगर आप परसेप्शन कहो ना, तो इट्स नॉट लाइक चेंजिंग द माइंड्स एंड परसेप्शन ऑफ द यंगस्टर्स, इट इज जस्ट, वी आर जस्ट शेयरिंग, वी आर जस्ट ट्रिगरिंग द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, वी जस्ट वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज दैट वट डज police mean, what does it mean to be in police service kya hai, impurities hain, problems hain to aapko, aur aapko bulwana basically lalach hamara hai, third party evaluation aap batayenge ye galat hai, ye galat hai, ye galat hai, hum aapko batayenge what exactly we do, jab hum university mein the
बिल्कुल जाते थे तो तरह तरह की आवाज़ें लगाते थे, ट्रैफिक को आवाज़ें लगाते थे सिग्नल्स पे खड़े हैं, मोटरसाइकिल वालों को आवाज़ें लगाते थे सिग्नल पे खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, पुलिस में नहीं भी थे, लेक्चर था, वकालत करता था, न्यूज़पेपर में था, सब चीज़ें की, लेकिन जैसे जैसे आगे गए तो समझ आया ऐसा नहीं है। सो पुलिस दे वर सेलेक्टेड बेसिकली बाय अल्लाह अलमाइटी and they are under the pledge that they will go to any extent to protect the life, liberty and property of the citizens. बचाएंगे भाई, उसी वजह से आप सब यहाँ पर हैं इस्लामाबाद के तमाम। क्या किसी को पता है कि what is the number of shohada of police department? 63। अब उसमें चीज ये है, चीज उसमें ये है कि हमें ये चीज़ उन 63 फैमिलीज में जिनके फैमिली 65 हैं, फॉर सम रीजंस 63 जो हैं शहदा जो हैं उन शहीदों की जो फैमिलीज हैं, हम 15 की कॉल भी करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं, तफ्तीश भी हो, तमाम चीज़ें हों, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जिस वक्त ईद आती है तो वो जो छोटा है ना वो ढूंढता है उसका वालिद किधर है, और फिर अपनी माँ से पूछता है कैसे चला गया बाबा, मतलब बाबा किधर है, बाबा तो साथ नहीं है, वेयर इज माई बाबा, बाबा को किसने मारा, क्या बाबा को उनके कोई माँ, आपको किसी ने तंग किया था तो बाबा गुस्से में आ गए तो बाबा ने उसको उसके साथ लड़े और बाबा उसमें इस दुनिया में नहीं रहे, या दादा अब्बू को किसी ने तंग किया था और बाबा नहीं रहे, या दादी अम्मा को किसी ने तंग किया था और बाबा नहीं रहे, ना दादी अम्मा को तंग किया, ना दादा अब्बू को तंग किया, ना उस छोटे से बच्चे की वालदा को किसी ने तंग किया। वो जो शहीद हो गया वो सिर्फ इसलिए शहीद हो गया क्योंकि वो उस मकसद के तहत जिंदगी गुजार रहा था। हर बंदा अपने मोटिव के तहत गुजारता है, दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड बाय अल्लाह, आई एम वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, सो आई एम सपोज्ड टू गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन, एंड ही डिड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू। और जो हर बंदा यूनिफॉर्म पहनने वाला, काला पहने, नीला पहने, सबज पहने, ये वाला पहने, ग्रे पहने, वो अंडर प्लेज है। कैसे मुमकिन है कि मैं बाहर खड़ा हूं और मेरे पास वेपन है या नहीं, लेकिन मेरी कोई बहन बेटी कोई जो सड़क पे मौजूद है उसको कोई किसी तरीके से भी तंग करे, लूट रहा हो, और मैं पुलिस में हूं तो मैं आगे ना जाऊं, मैं ये तो नहीं देखूंगा आई डोंट हैव माय पिस्टल माय वेपन विद मी, बिल्कुल भी नहीं। यार हमारी तो सेकंड नेचर ये बन जाती है कि मूवी देखते हुए अगर फिल्म में विलन आ जाए ना, तो जहां पर हम आम जिंदगी में वेपन लगाते हैं ना राइट साइड पे, हमारा हाथ फौरी तौर पे वेपन पे चला जाता है, तो हमारे घर वाले कहते हैं खुदा के लिए दिस जस्ट अ मूवी, अपने हाथ को अपने पास ही रखे, ये मूवी है। अपना वेपन निकालने के लिए वो आते हैं ना फौरी तौर पे, आपकी ड्रिल कराते हैं, हमारे साथ हमारा कमांडो हमजा है तो वो ड्रिल कराते हैं कि फौरी कि दैट शुड बिकम योर सेकेंड नेचर, क्या आपने क्रिमिनल देखा है, सो योर हैंड शुड बी हेयर, तो वो मूवी देखते हुए भी क्रिमिनल देखें तो आपका हाथ इधर आ जाता है। तो जहां तक है ना, हमारी तो सेकंड नेचर बन जाती है। सो व्हाट इज द सेकंड नेचर ऑफ पुलिस, गाजी कितने हैं, जख्मी हो गए वापस आ गए, बहुत सारे ऐसे हैं उनकी एम्प्यूटेशंस होगी, चल नहीं सकते। फिर अगली चीज ये तो हो गया वो वाले, एंड आई मीन देयर इज नथिंग लाइक कि कोई उस चीज को देख रहा है नहीं देख रहा, किसी इस्लामाबाद के किसी बंदे को पता है नहीं पता, या पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या जब ईद आए, जब वैलेंटाइंस डे आए, तो कितना मुश्किल है कि 14 फेब को आप में से जो यंगस्टर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो उन 63 शोदा के घर में जाके फूल देखे हैं कि फूल, कितना मुश्किल है कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग हो तो पेरेंट टीचर मीटिंग में वो जो खातून है वो अपने बच्चे को अकेला लेके ना जाए, बल्कि उसके साथ आप में से कोई और भी जाए, मैं भी जाऊं, ये भी जाए। छोटी छोटी चीजें हैं ना, रियलाइजेशन, हमने सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन के लिए
आपके साथ एक वो तल्लुक बनाया है जो तल्लुक बिल्कुल टेम्परेरी नहीं। मैं आपको बड़ा क्लियर बताता चलूं, अगर कोई इस गलत फहमी में है कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनने के बाद अली रिजवी और उसकी टीम आपका पीछा छोड़ने वाली है, तो फिर ये रियलाइजेशन भी अपने जहन में डाल लें। हम लोग इस चीज़ में बड़े जुनूनी और बड़े पैशनेट हैं। अब आप उस एक वो एक वो हम मैं बड़ा कहता होता हूँ कि तस्बीह होती है ना, उसमें जो निस्बत होती है ना, बेसिकली वो निस्बत होती है उस डोरी की। हम उस तस्बीह के दानों की तरह उस डोरी में पिरो दिए जाते हैं। सो वी बिकम वन फैमिली, और हम में जो एक ताल्लुक होता है दैट इज ताल्लुक ऑफ ट्रस्ट एंड रियलाइजेशन कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। वट इज आर पोटेंशियल, वट इज आर वीकनेस, किस तरीके से हम अपनी वीकनेस को प्लग इन कर सकते हैं अपने पोटेंशियल के साथ। पुलिस सिटी में कैसे दहशतगर्द पकड़ती है, पुलिस पेट्रोलिंग कैसे करती है, और भाई ये नाका कैसे लगाते हैं क्या पुलिस के पास। भाई एक चीज आपको पुलिस में आके रियलाइज होगी ना, रियलाइजेशन जब आपके पास आती है ना तो आपको लव्स मिलते हैं, जब आपको लव्स मिलते हैं तो एक्सप्रेशन मिलता है, एक्सप्रेशन मिलते हैं तो आपको ताकत मिलती है। सो विदाउट रियलाइजेशन आपको कुछ नहीं मिलता। आप जब पिकटिंग करते हैं ना तो कहते हैं यार पिकट पे मुझे ही क्यों रोका, तो इसलिए रोका कि अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी कि जो बुरा बंदा है उसके सर पे लाल बत्ती और अच्छे के सर पे नीली बत्ती जले। दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग कैन बी, मतलब चीजें तो बहुत सिंपल हैं। जिस तरह से अभी सीटीओ साहब ने एक वीडियो दिखाई और वीडियो दिखाते हुए उसको एडिट करना भूल गए कि जितने भी वो बूफे की जितनी भी वो दिखाई इन्होंने वो सारी खाली थी, तो मैं उस वक्त का पीछे देख रहा हूँ बार बार कि अगर तो इनकी वीडियो की तरह यहाँ भी सब चीज़ें खाली हैं तो फिर तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आई एम वेरी बैड क्रिटिक एंड परफेक्शनिस्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, जो कि गलत चीज़ है, लेकिन वो जितने दफ़ा वो कैमरा इनकी वीडियो में वो बूफे टेबल पर पड़ा उतनी दफ़ा वो खाली थी। तो मैं समझ गया, मैंने कहा सिर्फ इनको दर्शन ही करवाए हैं कि कुछ हो सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं होगा। अच्छा बहुत अच्छा था, चलें गुड हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग व्हाट पुलिस इज, रियलाइजिंग आर स्ट्रेंथ्स, रियलाइजिंग आर वीकनेसेस, रियलाइजिंग आर वे ऑफ वर्किंग, रियलाइजिंग व्हाट इज पुलिस कल्चर। कहते हैं ना आप डॉन में देखते हैं, जंग में, हर जगह हम भी देखते हैं, वो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में चेंज पुलिस कल्चर, पुलिस कल्चर चेंज करें। व्हाट इज पुलिस कल्चर, कभी किसने पूछा? पुलिस का भी पता क्या है, कल्चर का भी पता क्या है, जस्ट चेंज पुलिस कल्चर। पुलिस कल्चर इज ए पॉजिटिव फिनोमिना, व्हाई टू चेंज समथिंग विच इज पॉजिटिव। पुलिस कल्चर क्या है? टू रिस्पेक्ट पीपल, टू रजिस्टर द FIR इफ क्राइम इज कमिटेड, टू परफॉर्म योर जॉब इन ए थॉरो प्रोफेशनल मैनर, एंड टू इंश्योर स्पीडी रिलीफ एट द डोर स्टेप। ये चार पांच चीजें हैं ना आपकी सारी की सारी आपकी जो पुलिस कल्चर की है, तो देन व्हाई डू वी से टू चेंज पुलिस कल्चर। चीज ये है हाउ टू वीड आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम पुलिस स्टेशन कल्चर और पुलिस कल्चर। इम्प्योरिटीज क्या है कि अगर कोई बूढ़ी खातून आ गई है तो कहना अम्मा क्या हर रोज मुंह उठा के आ जाती हो, घर में काम शाम नहीं है, ओ बाबा चलें पीछे जाएं, दिस इज इम्प्योरिटी। और पुलिस कल्चर क्या है, अम्मा जी खैरियत है, आप पहले भी तशरीफ लाई थी, आपका काम नहीं था हुआ, अम्मा जी आए ना, दिस इज पुलिस कल्चर, वो इम्प्योरिटी है। डू नॉट मिक्स इम्प्योरिटी विद पुलिस कल्चर। इम्प्योरिटी और पुलिस कल्चर दोनों अलहदा हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। यस इम्प्योरिटीज हैं, गलतियां हैं, मैं तो बड़ा क्लियर कहता हूं, 70 साल से थप्पड़ मार के किसी को गले लगा लें और गले लगा के कहें कि अपनी परसेप्शन चेंज करो और साथ पिस्टल निकाल के उसकी बिल्कुल साथ रख दें, परसेप्शन चेंज हो गया, कहेगा सर बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसे थोड़ी होता है चेंज, ऐसे चेंज होता है परसेप्शन, बिल्कुल नहीं चेंज होता ऐसे परसेप्शन। आपने रियलाइज करना है अपनी परसेप्शन चेंज नहीं करनी। आपको ये जो किंगडम ऑफ रियलाइजेशन है ना, इसके अंदर परसेप्शन तो एक बहुत एक बड़ा ही एक छोटी सी टाइनी सी चीज़ है,
ये तो कुछ है ही नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये किंगडम ऑफ रियलाइजेशन में जाने के बाद चीजों की जो परसेप्शन है वो रियलाइजेशन के थ्रू करें। वो कहते हैं ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं तो मैं हूं भाई। सो जो नहीं सोचता उसकी तो एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। सोचना छोड़ दें तो सीटीओ साहब यूनिफॉर्म भी पहनेंगे, चलेंगे भी, इनको 300-400-500 बंदा सल्यूट भी करेगा, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। ही विल बी लाइक डेड मैन वॉकिंग, वो सिर्फ एक डेड मैन वॉकिंग वाली बात होगी। ही विल बी डूइंग नथिंग। आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं सोचता हूं तो मैं हूं, और मेरी सोच जो है वो ताबे है, वो डिपेंडेंट है उस प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन पे। थोड़ा फिलोसॉफिकल ज्यादा हो जाएगा, सो यही कट करते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबी चली जाएगी। सो कमिंग बैक टू फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, एफओपी, बेसिकली एफओपी को हम बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वॉलंटियर्स इन पुलिस को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो हैं बेसिकली वो हमारा कोई मैसेज लेके कहीं नहीं जा रहे, हमारा सिर्फ एक चीज लेके जा रहे हैं, दैट इज सिर्फ एक चीज, प्लीज थिंक, प्लीज रियलाइज, इफ यू विल थिंक देन यू विल एग्जिस्ट, एंड प्लीज प्लीज डू रियलाइज, बिकॉज रियलाइजेशन इज पावर। दैट इज द मैसेज, दैट मैसेज इज नॉट ओनली फॉर पुलिस बट फॉर योर स्टडीज, फॉर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जितने भी होंगे बैच वाइज, उनके हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उनका तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इसी तरीके से हम लोग वॉलंटियर इन पुलिस का एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं फॉर 2 वीक्स। उसमें 1 वीक की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको 1 वीक की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। लेट्स से कि आपने ट्रेनिंग की, आप सीटीडी गए, ट्रेनिंग में गए, आप इधर ऑपरेशंस में गए, ट्रैफिक में गए, आप कहते हैं मुझे सेफ सिटी बहुत पसंद है, आई नीड टू गो डीप इन टू डिजिटल इंटरवेंशन ऑफ पुलिस, आई मीन गॉड्स आई कंसेप्ट, किस तरह से फेशियल रिकग्निशन होती है, वट इज IMA ट्रैकिंग, सेलुलर टेक्नोलॉजी क्या है, हाउ डू दे ट्रेस द क्रिमिनल्स, वट इज पल्स डेटा, कैसे करते हैं। आप एक हफ्ते की स्पेशलाइजेशन उसमें करोगे। एक को कहता मुझे पब्लिक सर्विस पसंद है और मैंने ट्रैफिक में आना है, वो एक हफ्ता ट्रैफिक में करेंगे। कोई कहता है इन्वेस्टिगेशन, कैसे ये क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। और हम आपको उस हमारी जो एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी, लाइव इन्वेस्टिगेशंस को, आप जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स की लाइव इन्वेस्टिगेशंस है, आप उसको उस मिरर के, वो जो एक हमारा एक बिल्कुल एक फेसलेस हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, आप उसको सुनोगे, आप देखोगे कि IO ने कैसी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने कैसी तफ्तीश की, उसने क्या चीज़ें देखी, कहाँ पर उसने मिस किया, यहाँ मैं होती तो ये करती, यहाँ मैं होता तो ये करता। नोट्स लेंगे और फिर जो VIP होंगे, VIP वॉलंटियर्स इन पुलिस, FOP फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, जो VIP होंगे दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट ए पेपर एज वेल, 2 pages, 1 page, 3 pages, जस्ट योर थॉट प्रोसेस दैट आई स्पेंड 2 weeks विद पुलिस, 1 common ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2nd week ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आई फील these should have been done and these things can be improved further and these things should be eliminated or tamam, aur hum aapki jo cheeze hain apne had tak to hum inshallah taala kar denge, jo hamare se upar jo upar jaake government ke level ki hain, I assure you hum uska proper bana ke, that these are the suggestions from VIPs of police, they'll be sent to prime minister, to interior minister and to other higher forums as well. Reason thereby ke aapki awaaz, mujhe jo bhai ne yahan par, hamara chota bhaiyon ki tarah hai jisne kaha ke youth ko misunderstand karte hain, yakeen kar le is cheez ko agar aap understand karna shuru kar dena, that realization is power. Usko misunderstand karne wali to baat hi koi nahi hai, wo misconception wali to baat hi koi nahi hai, असल में तो चीज है सिर्फ अंडरस्टैंड करने को आपके लिए एक बड़ा क्लियर टूल है, दैट इज रियलाइजेशन। एवरीवन इज रेडी टू रियलाइज अदर पर्सन, टू रियलाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अदर पर्सन,
But what about the weaknesses and strengths of I mean the of jo main apne mein rakhta hu, where is my self, my process of self actualization which needs to be triggered? So jahan tak reh gaya, rest assured, aap jo hain inshallah taala, you people will be going to your universities, you people will be going to your houses, jayenge, you will spend time with your friends. आप उनको जाके ये नहीं बताएंगे कि पुलिस बहुत अच्छी है. डोंट से दिस. एक हफ्ते में नहीं पता लगता हमने एक्टिंग की. वी आर वेरी गुड एक्टर्स. यस, एक्टिंग की. फिर क्या करेंगे आप? मैडम मरियम की आपने तारीफ की, मैडम मरियम ने एक्टिंग की. हो सकता है कि सीटीओ साहब अपने कॉलेज जमाने में ड्रामेटिक्स के प्रेजिडेंट रहे हों. फिर क्या करेंगे? इन्होंने बंदे चार पाँच वो लगाए हों जो सारे इधर उधर हों. इन्होंने आपको अल्लाह दिता ए एस ए मिलवाया ही ना हो, वो सब इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद मिलवाया ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इतनी जल्दी परसेप्शन चेंज नहीं करनी. अगर सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को खुद रियलाइज़ करना है, खुद देखना है, खुद उनको प्लस माइनस गुड बैड को टेबल पे रख के उसमें से उसके ऊपर एक रियलाइजेशन का फॉर्मूला लगाना है और फिर देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ थी, वो चीज़ क्या थी, वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ. एंड देन यू विल बी इन ए गुड पोजिशन टू मेक थिंग रियलाइज कि किस तरीके से चीज़ें हैं. क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपका एक हफ्ता या सात दिन या आठ दिन सिर्फ इसलिए थे कि आप सिर्फ देख लो दैट वट एग्जैक्टली पुलिस डज, पुलिस का है क्या काम. हम अच्छा बुरा तो बात की बात है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. देखे ना, आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी में गए, वो अपनी यूनिवर्सिटी में गए, आपने उसका देखा, कोर्स का देखा, इंडेक्स देखा, उसके कंटेंट देखे, आपने कहा आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस, ये जो सेट ऑफ मॉड्यूल्स है वो आगे कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसकी फैकल्टी कैसे है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसके माइक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं उसमें तो आप तब तक नहीं जाते हो ना जब तक अनलेस एंड अनटिल यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन. फिर जाके पता लगता है ओहो ये तो ठीक नहीं था, या गुड सिलेक्शन, वेल डन. सो प्लीज फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, देयर आर फ्रेंड्स. हम एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है वन इंफॉर्मेशन. वो वन इंफॉर्मेशन है, वन पर्सन वन इंफॉर्मेशन वन डे. हर बंदा एक दिन में एक इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है. वी आर गोइंग टू मेक 10 इम्प्लीमेंटेशन टीम्स इन सेफ सिटी. वो ऐप कोई भी डाउनलोड करेगा, उसका ना कोई उसमें नाम आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, रजिस्टर ज़रूर होगा. और अगर आप जाते हो एंड यू सी कि समथिंग इज़ बैड और समथिंग बैड इज़ हैपनिंग समवेयर, जस्ट टेक ए क्लिक और उस ऐप के ज़रिए वो भेज दें, आपका दिन का कोटा पूरा हो गया. मुझे आपसे जेन्युइनली अगर ये आप कर दोगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. जब आप ये कर दोगे विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट एप्लीकेशन, वन इंफॉर्मेशन वन पर्सन वन डे, जिसका नाम है वन इंफॉर्मेशन. सो वन इंफॉर्मेशन ऐप, मैं आपको बताऊँ, अपने 22 ईयर्स की सर्विस में बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी देखे, बहुत ज़्यादा लाइन ऑर्डर बड़े स्वीयर देखे. अपना जो है लाहौर में ऑलमोस्ट बहुत ही एक क्रूशल टाइम्स देखे. आई लॉस्ट माय राइट आई लाहौर के तमाम चीज़ों में, राइट्स में. तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं, मैंने 22 साल में बेस्ट इंफॉर्मेशन, जो अगर मैं कहूँ ना कि अगर 22 साल में मैंने 100 मोस्ट नोटोरियस गैंग्स बस्ट किए, तो वो मोस्ट नोटोरियस गैंग्स क्रिमिनल्स के या टेररिस्ट के, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन बलूचिस्तान फॉर 4.5 ईयर्स एज वेल. तो उनमें से 100 में से 85% प्लस गैंग्स आप लोगों की इंफॉर्मेशन से पकड़े. आपने फोन किया, आपने फोन किया और आपने कहा ये हो रहा है, और उन 100 में जो नंबर वन गैंग था वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बिल्कुल मैं नाम नहीं लेता, एक अम्मा थी, आई वॉज पोस्टेड समवेयर. वो तंदूर पे ना
रोटियां लगाती थी, और मेरे पास ये कुछ रोटियां लेने आते हैं कुछ लड़के, ये पहले नहीं थे आते, और रोटियां लड़के तीन चार हैं, रोटियां ले जाते हैं मुझसे 100-150, तो ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो इधर चेक तो करवाएं। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क उस अम्मा ने पकड़वाया, वो अम्मा जिसको ये भी नहीं था पता कि 15 में क्या चीज़ है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ दैट अम्मा, दिस इज़ द पावर ऑफ उस चीज़ की, उसे शी जस्ट रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, रियलाइजेशन थॉट प्रोसेस, शी वॉज लिविंग सो शी वॉज थिंकिंग, जिंदा थी सोच रही थी तो थॉट प्रोसेस चला, रियलाइज हुआ, और उन्होंने उस रियलाइजेशन में कॉल की। सो प्लीज डू इट, इसको करें, हमारे साथ हमारा हिस्सा बने। इस्लामाबाद इज़ ए वंडरफुल सिटी, इट्स ए ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम यह है ये शहर बहुत कम शोर करता है, और हमारी टीम अब बहुत ज़्यादा शोर करने वाली है आपके साथ मिलके। हम इनको बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक हमने यहाँ पे तहरीक स्टार्ट की, नशाब नहीं, वो तहरीक स्टार्ट की, और वो तहरीक क्या हम 11,000 लोगों को चला सकते नहीं हमें। और अगर कोई कहता है ना कि हम 11,000 हैं, तो बिल्कुल हम गलत हैं, हम बेसिकली 30,11,000 हैं। ये गलत है कि हम 11,000 हैं, 30 लाख लोगों की 60 लाख आंखें होती हैं, 60 लाख आंखें देखें तो नशा बिक सकता है, 60 लाख हाथ आगे बढ़ें तो कोई गलत काम हो सकता है, और 60 लाख कदम इन 11,000 और टू बी वेरी प्रिसाइज 10,772 के साथ चलें तो क्या मुमकिन है कोई क्रिमिनल अपनी क्रिमिनलिटी में कामयाब नहीं हो सकता। ये हमारी बेसिकली वो एक अजीब सी, एक सटल सी वीकनेस है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसका फायदा वो उठा लेते हैं। सो लेट्स राइज, जब हमने एक कंपेन स्टार्ट की तो वो हमने की, हम का मतलब पुलिस हरगिज नहीं है, वी आर नॉट सॉर्ट ऑफ कोई सर्विस जिसमें 9 to 5 है, हम 9 to 5 नौकरी नहीं है। जब हम कहते हैं ना अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करो, तो ये कोई किताबी बात नहीं है यार, जेन्युइनली मतलब ये जेन्युइनली यही चीज है। वो कहते हैं ना लाइफ इज ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग, तो व्हाट इज केयरिंग एंड शेयरिंग, पीर के पास जाए क्या कहता है, सदका दें और ये करें, दिस केयरिंग एंड शेयरिंग। दोस्त क्या करते हैं, केयर करते हैं और शेयर करते हैं, सो देयर गुड फ्रेंड्स, देयर गुड फ्रेंड्स, सो केयर करें, शेयर करें, और रियलाइज करें कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं, FOP हैं, VIPs हैं, आप FOP बन के जा रहे हैं, आप में से जो VIP वाले प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होगा वो हमें बताएगा, उनका FOP का एक हफ्ता जो है वो एग्जेम्प्ट होके वो डायरेक्ट VIP में आ जाएंगे, आप लोग FOP में आएं। बट एक चीज़ है, जहां महसूस होना कि यू आर गेटिंग बोर्ड, प्लीज़ इतनी जिंदगी, वो उसकी वो मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो कहते हैं यू कैन नॉट लिव ट्वाइस, यू कैन जस्ट लिव वंस, इतनी जिंदगी है, बोर नहीं होना, और अपना ये खूबसूरत वक्त किसी ऐसे इंसान को नहीं देना जो इस काबल नहीं है कि उस वक्त को, उस वक्त की वो जो अहमियत से, उस वक्त की अहमियत से अहम बंदा हो तो उसे वक्त दें, वरना स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यू कैन नॉट लिव ट्वाइस। सो जब देखें कि नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा, सो आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड, सो दैट्स गुड, बस दैट्स कूल, आपने 2 दिन गुजारे, 3 दिन गुजारे, वी आर इंडेटेड, ऑनर्ड, वी आर सो हैप्पी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये नहीं करना कि यार 7 डेज हैं, 7 डेज में कार्ड लेके जाना है, दैट इज नथिंग। आप वैसे भी इन ये तमाम कार्ड्स के बगैर भी फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हो, आप वैसे भी वॉलंटियर्स इन पुलिस हो, आप वैसे भी VIPs और FOPs हो, अब वैसे भी हमारे हो, हम वैसे भी आपके हैं, वी आर वन टीम, वी आर वन फैमिली। जिन लोगों ने 111 पे या 1 इन्फॉर्मेशन पे वो हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारे तो VIP नहीं होंगे, वो सारे तो FOP नहीं होंगे, वो अम्मा जो थी वो तो FOP नहीं थी, वो अम्मा VIP तो नहीं थी,
we got valuable information from her. हमें तो मिली. So ये चीज आपके लिए है, जस्ट एक चीज को कि एक नीले पीले सबल यूनिफॉर्म वाले हर वक्त आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो देखें तो सही कौन है, चेक तो करें. सो वेलकम टू द डोमेन एंड किंगडम ऑफ रियलाइजेशन. लिव टू सर्व. थैंक यू वेरी मच.